हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग होने वाला है एक हैक व्लॉग। तो हम ट्राई करने वाले हैं एक हैक, जो एक ऐसा हैक है जो टेक्निकल हैक है। तो देखते हैं कि ये एक स्पाई हैक है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो क्या ये स्पाई सच में काम करता है? एक्चुअल में ये जो स्पाई है, ये हमने खुद से नहीं, कहीं से नहीं, हमने देखा ये शिवम मलिक की वीडियो से। तो इस हैक के लिए जो हमें जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी एप्पल वाले एयरपोर्ट्स की। एक्चुअल में ये कहते हैं ना कि एप्पल एक इकोसिस्टम की तरह काम करता है। तो आज पता लग जाएगा कि ये सच में है कि एक स्पाई हैक है। तो एक एप्पल एयरपोर्ट्स की जरूरत और एक एप्पल का ही फोन होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक इकोसिस्टम बनाते हैं। तो मैंने उनकी एक रील देखी थी, मैं आप लोगों को रील दिखाता हूँ। रील क्या है? इधर है। हाँ ये ना, जी, अगर आपके पास आईफोन ये है और वाली रील है साथ गाइस। में वो तो एयरपोर्ट्स की है तो आप अभी किसी पे भी स्पाई कर सकते हो। आप हम अपने अच्छे एयरपोर्ट्स से तरीके से किसी पहले की भी फोन को बात कर कनेक्ट कर सकते हो, लेते हैं पब्लिक क्लियर हो। और जैसे जैसे इन्होंने बताया वो फंक्शंस कर लेते हैं। इस रील का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो देखते हैं, पहले वो सेटिंग्स करते हैं जो इन्होंने बताए, फिर देखते हैं कि ये रियल में काम करता है या नहीं। असल में इस जो हैक का मतलब है, वो मतलब ये है कि हम ना दूसरे, अगर हमारे पास दो एयरपोर्ट्स हैं, एक हमने अपने कान में लगाया हुआ है और दूसरे को हमने कहीं पे रखा हुआ है, और लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पे कोई एयरपोर्ट रखा हुआ है या फिर ईयरबड रखा हुआ है, सॉरी ईयरबड रखा हुआ है, और उसके थ्रू हम वो लोग जो बातें कर रहे हैं ना, उन बातों को हम अपने इस वाले एयरपोर्ट में सुन सकते हैं। वही इन्होंने इस रील के अंदर बताया। तो चलो गाइस, ट्राई करके देखते हैं, पहले सेटिंग कर लेते हैं फटाफट से इसकी, एंड देन आपको बताते हैं। गाइस रियली इट वर्क्स, सच में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ, लेके जाओ एक बार, मतलब तुम किसी और प्लेस पे लेके जाओ, हो सकता है कि कनेक्टिविटी यहाँ इतनी पास में है तो इस वजह से वॉइस वगैरह मुझे आ रही होगी। हाँ, अब एक काम करो, ये भी देखते हैं कि तुम उसको अपने ईयर में लगाओ और मैं यहाँ से बोलता हूँ। नहीं, आप वहीं से कर लो ना एक बार। ये तो भानु तो पागल ही है, दिमाग खराब करके रखती है, दिमाग खराब करके रखा हुआ है इस भानु ने मेरा। इट्स वर्किंग ना। तो गाइस, ये सच में वर्क करता है। अगर आपके आसपास कहीं पर भी आप ये देखो कि कोई भी ईयरबड पड़ा हुआ है, या इन केस तो बी कॉशियस, क्योंकि मे बी की कोई आपकी पर्सनल टॉक सुन रहा हो, हाँ, है ना? बिल्कुल, ये सच है ये क्या? सच में वर्किंग है। भानु का रिएक्शन बहुत एपिक था जब इसने मेरी आवाज सुनी, और ये अभी भी ऑन है। देखो गाइस, अभी भी ऑन है, देख रहे हो? तो मतलब टेक्नोलॉजी यार इतनी आगे बढ़ चुकी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। ये सिर्फ हमने इसलिए ट्राई किया था कि ऐसा है भी या नहीं। बट गाइस, मैं यही बोलूंगा, इसका मिसयूज ना करें, किसी की बातें या किसी की प्राइवेसी को प्राइवेसी रहने दें। क्योंकि हमारा भी यही था कि हम देखना चाहते थे कि ये रियली वर्क करेगा या नहीं करेगा, सही रिव्यू देना था हमें।
बट ये सचमुच वर्क करता है। हाँ, हमें लगा कि ये फेक ना हो, हाँ, है ना? हाँ, जब अभी भानु ने ये बोला ना कि अभी मुझे लगा कि ये फेक ना हो और ये आपके सामने ईयरबड नीचे रखा हुआ था, मुझे इसकी ये बात भी सुनाई दी। खैर ये तो पास में ही है, बट मुझे इसके थ्रू ईयरबड में इसकी आवाज आ रही थी। हाँ, मुझे भी आ रही थी। है ना, लिटरली वर्क करता है गाइस। तो इसका मिस यूज मत करना। हाँ, इसका मिस यूज बिल्कुल भी मत करना। अगर किसी के पास कोई ये हैक ट्राई करता है या करना चाहता है तो हाँ करके देख सकता है, इन केस कि अपने बच्चों के लिए, कि मतलब ज्यादा ही छोटे बच्चे हैं तो कोई रो तो नहीं रहा या किसी के लिए। बट किसी की कोई पर्सनल थिंग आप मत सुनना, पर्सनल टॉक्स मत सुनना, पर्सनल चीजों को, या इंटेंशनली किसी का गलत करना हो, कुछ पासवर्ड वगैरह, तो गाइस प्लीज मत करना, आई रिक्वेस्ट यू। तो आज का व्लॉग करते हैं हम यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके लिए और भी हैक्स आएंगे ऐसे आगे, जो जो हमें लगेगा कि हमें ट्राई करना चाहिए। इस चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा। और जय श्री राम।